मैं अभी नैनीताल में हूँ, कोई 2100-2200 मीटर की ऊंचाई पर। नैनीताल एक सुंदर सा रिजॉर्ट टाउन है जो हिमालय के दक्षिणी अंत पर है। थोड़ा दक्षिण में अगर आप और जाएंगे तो उत्तर भारत के मैदान शुरू हो जाएंगे। इतनी ऊंचाई हिमालय में आम बात है, बल्कि रेजिडेंशियल है। मनाली, नैनीताल, शिमला सभी आपको 2100-2200 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिल जाएंगे। पर वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, जो भारत के 2 गुने से ज़्यादा बड़ा है, सबसे ऊंची पीक केवल 2208 मीटर ऊंची है, करीब उतनी। सब जानते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, पर वास्तविकता में हिमालय और बाकी की दुनिया में कितना बड़ा अंतर है, इस बात का अंदाज़ा शायद काफ़ी लोगों को ना। आइए इस वीडियो में बाकी की दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आपका परिचय करवाते हैं और उनकी तुलना करते हैं हिमालय से। भारत से शुरुआत करते हैं क्योंकि मैं भारतीय हूँ। भारत के कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 हजार मीटर की ऊंचाई को पार नहीं करते और 24 2000 मीटर को। बचे हुए 12 में से 10 हिमालय या उसकी सब रेंजेस में हैं। भारत की सबसे ऊंची नॉन हिमालयन पीक केरलम की अन्नामुडी है, जो बस 58 मीटर के अंतर से तमिलनाडु के डोडाबेट्टा से ये खिताब हासिल करती है। वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर आप वाकई में भारत के प्रशासित क्षेत्रों तक सीमित रहें, सिक्किम की कांगचेनजोंगा है, जो भारत नेपाल सीमा पर है। पूरी तरह से भारत में पड़ने वाली भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी उत्तराखंड की नंदा देवी। भारत से बाहर निकलते हैं और हिमालय का कद बाकी महाद्वीपों के विशाल पर्वतों के सामने देखते हैं। हर महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखरों के समूह को 7 समिट्स कहा जाता है। 7, 6 या 8 समिट्स कौन से हैं, इस पर सब सहमत नहीं है, क्योंकि महाद्वीप की परिभाषा बड़ी ढीली है। मैं 7 कॉन्टिनेंट्स को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर चलते हैं, पर इस बार महाद्वीप से मतलब है, बल्कि पूरे ओशियानिया की बात करते हैं। यहाँ इंडोनेशिया का पुंजाक जया सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे कार्स्टेंस पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, 4884 मीटर ऊंचा। फन फैक्ट, इस पीक के थोड़ा पश्चिम में है ग्रासबर्ग माइन, सोने और तांबे की दुनिया में सबसे बड़ी खदानों में से एक। हिमालय में इतने ऊंचे स्तर पर कुछ खास है नहीं, करजोक और किब्बर जैसे गांव इससे थोड़ा सा नीचे हैं और हिमालयी शिखरों के तल लगभग इसी ऊंचाई के आसपास होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची परमानेंट सेटलमेंट हालांकि हिमालय में नहीं है, वो है पेरू में एंडीज पर्वतमाला में स्थित ला रिकोनाटा, जो 5100 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं। एंटार्क्टिका का सर्वोच्च शिखर विंसन मैसिव है, पर एंटार्क्टिका में कोई परमानेंटली नहीं रहता। यूरोप की ओर चलते हैं, जहां रशिया में एल्ब्रस सर्वोच्च है, अगर आप कॉकेसस पहाड़ियों को यूरोप का हिस्सा मानते हैं। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस इटली सीमा पर मॉन्ट ब्लांक सबसे ऊंचा है। पर्सनली मैं मानता हूं कि यूरोप को अलग कॉन्टिनेंट ही नहीं होना चाहिए, पर वो एक दूसरे दिन के लिए छोड़ते हैं। एल्ब्रस एक ट्विन पीक डोरमेंट वॉल्केनो है। फन फैक्ट, ईस्टर्न पीक पर 1997 में अलेक्जेंडर एब्रामोव और टीम एक लैंड रोवर डिफेंडर लेकर चढ़ी थी। पुंजाक जया और एल्ब्रस को अगर एक ही स्केल पर सटीक हाइट पर रखा जाए तो दोनों के बीच इतना अंतर है। हिमालय में एल्ब्रस की ऊंचाई पर कुछ बड़े दर्रे हैं, जैसे माणा और माणेरंग पास। अब इनके तीसरे साथी की ओर चलते हैं, अफ्रीका के सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो पर, जो तंजानिया में है। किलिमंजारो भी एल्ब्रस की तरह ही एक डोरमेंट वॉल्केनो है और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो किसी पर्वतमाला का हिस्सा नहीं। फन फैक्ट, किलिमंजारो के ऊपर 2014 में दुनिया का हाईएस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। 88 मिनट तक 5752 मीटर की ऊंचाई पर 10-10 ओवर का मैच हुआ। अपने दो छोटे 7 समिट साथियों के मुकाबले किलिमंजारो कहीं विशाल दिखता है, क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों में। पर अब एक कदम और आगे चलते हैं, 6000 मीटर की ऊंचाई के पार उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है 6190 मीटर ऊंचा डेनली। डेनली भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, पर बेस से चोटी तक की ऊंचाई में इसका कोई मेल नहीं।
आसपास के सपाट मैदानों से ये पहाड़ पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करता है। इतना उत्तर में होने की वजह से डेनाली के 5-6 ग्लेशियर्स 200-300 मीटर के अल्टीट्यूड तक पहुंच जाते हैं। डेनाली से कुछ 450 मीटर ऊंचा है तिब्बत में मानसरोवर के सामने स्थित कांगरी बोके या कैलाश पर्वत, जो कई भारतीय धर्मों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वहीं कैलाश से और कुछ 300 मीटर ऊंचा पर्वत और सेवन समिट्स का दक्षिणी अमेरिकी सदस्य है एकोंकागुआ, जो अर्जेंटीना देश में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज में, जहां एंडीज में दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ज्वालामुखी हैं। एकोंकागुआ एल्ब्रस या किलिमंजारो की तरह वॉल्केनिक नहीं है, हिमालयी क्षेत्र के बाहर ये विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है। हालांकि एकोंकागुआ की चढ़ाई बाकी सेवन समिट्स के मुकाबले थोड़ी आसान या नॉन टेक्निकल मानी जाती है। इसे चढ़ने वालों में 7 और 87 वर्ष के उम्र के लोग भी हैं। अभी तक कोई भी रेंज या पीक 7000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर की हमें नहीं मिली, पर अब हिमालय की बारी है। ये है नंदा देवी, ऊंचाई 7817 मीटर, लोकेशन नंदा देवी रेंज, उत्तराखंड। इस पहाड़ पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। नंदा देवी का धार्मिक महत्व तो अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत है। ये शिखर एकोंकागुआ से 844 मीटर ऊंचा है, पर फिर भी नंदा देवी से ऊंचे हिमालय और काराकोरम में 22 पर्वत और हैं। हाँ, एक जमाने में जरूर इसे दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता था। खैर, 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पूरे विश्व में केवल 14 पर्वत हैं, जिनमें से 4 काराकोरम में और बाकी हिमालय के हिमाद्री रेंज में हैं। इनमें भी टॉप 6 में से 4 अकेले सागरमाथा या एवरेस्ट के आसपास महालंगूर रेंज में हैं। नंबर 2 और 3 K2 और कंचनजंगा हैं। सीधा एवरेस्ट की ओर चलते हैं, जो नंदा देवी से भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचा है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो एवरेस्ट या सागरमाथा या चोमोलुंगमा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर अब हम एक बार एवरेस्ट के समक्ष डेनली, एल्ब्रस या किलिमंजारो को रखें तो आप देख सकते हैं कि एवरेस्ट आकार में उतना विशाल नहीं है। इसका तल हालांकि कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर है, लगभग पुंचक जया की कुल ऊंचाई के आसपास। हिमालय बाकी दुनिया के पहाड़ों के सामने कहीं ज़्यादा ऊंचे खड़े हैं, और उत्तर भारत का भूगोल, वातावरण, समाज, धर्म, जलवायु, सब कुछ आज जो भी है, हिमालय उसका सबसे बड़ा कारण है। पर लगभग 9 किलोमीटर ऊंचे होकर भी हिमालय धरती के सामने कुछ नहीं, जो 12,600 किलोमीटर चौड़ी है। अगर हमारी धरती का आकार इस गेंद के बराबर होता जो मुझे कहीं गिरी हुई मिली, तो वो भी इतनी ही स्मूथ होती जितनी ये बॉल है। इस अजीब से ख्याल के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद।